ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। प्रशासन का घर दर्शन ऑपरेशन जारी, हजारों की संख्या में लोगों को घर पहुंचाने के लिए लगाई गई कई बसें। जनपद सहारनपुर के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा घर दर्शन ऑपरेशन लगातार तीसरे दिन भी चालू रहा, जिसके चलते हजारों की संख्या में लोगों को घर पहुंचाने के लिए कई बसों को सर्विस पर लगाया गया। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से चल रहे लॉकडाउन के चलते दूर दूर से यात्री पैदल चलकर अपने घरों की तरफ को जाने के लिए मजबूर है। वही इस बात को देखते हुए प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और उन्हें घर पहुंचाने के लिए कई रोडवेज बसों का इंतजाम भी प्रशासन द्वारा किया गया है, जिसके चलते अब कई दिनों से फंसे लोगों ने राहत की सांस ली है और इन फंसे हुए यात्रियों को इनके घर छोड़कर इस लॉकडाउन को सफल बनाया जा सकता है। SSP दिनेश कुमार पी और ADM विनोद कुमार ने बताया कि 2500 से भी ज्यादा लोग, चाहे वे उत्तराखंड, पंजाब या हरियाणा के हो, इन लोगों को कल हमने स्लेटर होम में रुकवाया था और इनके खाने पीने की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई थी। आज बसों द्वारा इनको इनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उससे पहले बसों व इन लोगों को पूरी तरह से सैनिटाइज करके इनको बसों द्वारा 60 से 60 के जत्थे में इनको इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा रहे हैं, अथवा इनके गंतव्य स्थान में जो जनपद मुख्यालय है वहां तक भेजने का काम हम लोग कर रहे हैं। इन लोगों में गोंडा, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा है, जो पंजाब, हरियाणा में रोजगार को लेकर रहते थे। हमारे द्वारा मुख्यमंत्री व शासन द्वारा जो भी निर्देश हम लोगों को मिले थे, हम उन निर्देशों का पालन हम कर रहे हैं और इनमें से एक एक व्यक्ति का नाम व पता नोट कर इनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराकर ही इनको बसों में बैठाया जा रहा है। लगभग 2500 के आसपास हमारे पास, चाहे वो उत्तराखंड से लोग हों, चाहे वो पंजाब से हों, चाहे हरियाणा से हों, ये लोग आए हुए थे। कल भी ये लोग आए हुए थे। हम लोगों ने इनको यहाँ पर शेल्टर होम में रोका हुआ था, रात में इनके खाने पीने की व्यवस्था कराई थी। आज बसों के माध्यम से बसों को भी स्क्रीन करा के, बसों को सैनिटाइज़ करा के और लोगों को सैनिटाइज़ करा के और स्क्रीन करा के हम 60-60 के जत्थे में इनके नियरेस्ट गंतव्य स्थान तक अथवा इनके गंतव्य स्थान में जो जनपद मुख्यालय है वहाँ तक भेजने का काम कर रहे हैं। सर, लगभग कितनी बसें लगी हुई और किस किस रूट पे ये लोग जाने वाले हैं? दूरस्थ, सबसे दूर हमारे पास गोरखपुर के लोग हैं, गोंडा के लोग हैं, पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा हैं, जो पंजाब में अपने रोजगार के कारण थे या हरियाणा में अपने रोजगार के कारण थे। उनको लगातार हम लोग बसों में भेज रहे हैं। लगभग 20 बसें हम लोग भेज चुके हैं अब तक और करीब 500-600 लोग हमारे पास और हैं, तो 8-10 बसें हमारे और लगेंगे। सर, क्या कुछ और दिन चलेगी व्यवस्था? जो भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे और शासन के निर्देश आए हुए थे कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको खाने पीने रहने की व्यवस्था कराई जाए और उनको घर भेजने की व्यवस्था कराई जाए, हम इसको पूरा कर रहे हैं। इनका प्रत्येक व्यक्ति का जो भी आए हैं विदाउट फेल इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। एक एक आदमी के नाम और उनके गंतव्य स्थान नोट किए जा रहे हैं ताकि बाद में अगर इनको शासन के किसी भी तरीके से इनको देखना हो या लाभ देना हो, हम उसको कार्रवाई करेंगे।